इकलाब जिंदाबाद साथियों। विधायक जी, आपको क्या लगता था हम नहीं लौटेंगे? चलो कोई नहीं, ईश्वर परमात्मा सच्चे पातशाह दी जद तिकर कृपा इंसान ते बनी रहे, कोई उदा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये बात जो है आज ये सिद्ध हो चुकी है कि जिस तरीके से हमारे सिरसा के विधायक और उनकी जितनी टोली है, उस टोली के अंदर बेशक करप्ट कर्मचारी नगर परिषद के, बेशक उनका बिकाऊ मीडिया और सरकार के और एमएलए के इशारे पे गलत काम करने वाली पुलिस, इन्होंने किस तरीके से एक झूठा षड्यंत्र रचा और उस झूठे षड्यंत्र के अंदर मुझे फ्रेम करने का काम किया, मुझ पर झूठा SC ST एक्ट, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, किसी को बंदी बनाना, कोई इन्होंने सेक्शन नहीं छोड़ा था कि जो मेरे पे ना लगाया जाए। हमारे विधायक को ये था कि मौका मिल गया, इसको रौंद दो, इसको रगड़ दो, सारा जोर इन्होंने लगा दिया। और पुलिस के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये जो कहते हैं कि चोरों की तरह क्यों फिर रहा है, ये पुलिस है या ये जज बने बैठे हैं या ये पॉलिटिशियन बने बैठे हैं? पुलिस की ये वर्डिंग नहीं होती कि ये क्या चोर है जो भाग रहा है। सब बात ऐसे है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तब आदमी न्यायपालिका से उम्मीद करता है, माननीय कोर्ट से उम्मीद करता है। और मैंने भी वो ही कहा, शायद ये भूल गए थे कि न्यायपालिका नाम की कोई चीज हमारे देश में है और हमें पूरा न्यायपालिका पे विश्वास है। और आज माननीय हाई कोर्ट में जज साहब ने बल्कि हमें क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि सारी वीडियोस के अंदर, सारे प्रूफ के अंदर ये चीजें सिद्ध हो गई थी कि केस हम पे नहीं, करप्शन का केस नगर परिषद के भ्रष्ट कर्मचारियों पे बनता था। और अगर मैंने वहां कुछ गलत किया होता तो क्या वहां पर पुलिस अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठी थी? तो माननीय कोर्ट ने, जज साहब ने ये सवाल पुलिस से पूछा कि अगर इतना ही गोकुल सेतिया ने गंभीर अपराध किया था, जो कि वीडियो में नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था, तो आपने मौके पे उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? तब उस समय आज पुलिस के साथ साथ नगर परिषद के ईओ और उनके भ्रष्ट कर्मचारी भी वहां पर आए हुए थे। जब उनसे सवाल पूछा तब सबके मुंह उतर गए। और ये जो भ्रष्ट ईओ है, जो कि विधायक के इशारों पे काम करता है, जो अपने कर्मचारियों को मोहरा बनाकर वहां पर करप्शन का नंगा नाच वहां पर जिसके सिर पे चलता है, इनकी शक्लें ईओ की और उसके भ्रष्ट कर्मचारियों की इतनी इतनी होगी थी, बाहर आके क्या कह रहे थे कि क्या अब गोकुल सेतिया अरेस्ट नहीं होगा? अरे गोकुल सेतिया के अरेस्ट की तुम छोड़ो, अब तुम अपनी फिक्र करो, ये केस ईओ पे भी दर्ज होगा कि जब पुलिस वहां खड़ी थी तो तू अपने भ्रष्ट कर्मचारी को वहां से खींच कैसे रहा था? और पहले तो मैंने कहा था कि गरीब आदमी है जिसने पैसे लिए, उसको सिर्फ ये लोग मोहरा बना रहे हैं, हमें किसी की रोजी रोटी नहीं छीननी। हमने कहा था कि हम उस पे पर्चा दर्ज नहीं करेंगे, पर अब बात ऐसे है कि इन्होंने मुझे SC भाईचारे को मेरे खिलाफ करने की कोशिश करी।
अब एक व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे, सब पे पर्चा दर्ज कराएंगे, उसके साथ साथ इन पे करप्शन के चार्जेस लगेंगे, उस पर्चे के अंदर इनको सस्पेंड कराएंगे माननीय कोर्ट के माध्यम से, और सिरसा के मीडिया के साथ साथ अब कल चंडीगढ़ के अखबार तक ये चीज बोलेंगे कि सिरसा के अंदर किस तरीके से करप्शन का नंगा नाच चल रहा है, और अब करप्शन पे जो है ये लगाम कसी जाएगी हमारे इलाके में। मुझे खुशी है जो मैंने काम किया आप सिरसा वालों के आशीर्वाद से, अगर किसी भी व्यक्ति की सरकारी कर्मचारी की कोई नेगेटिव कोई भी स्टेटमेंट मेरे खिलाफ आती थी, मैं कमेंट्स पढ़ता था, मेरा दिल भर आता था ये देख के कि किस तरीके से कुछ अपोजिशन के लोग भी किस तरीके से मेरी तारीफ कर रहे थे। किसी ने सच्ची बात कही है कि अच्छा काम करो, जनता साथ देती है, जनता ने पहले भी मेरा साथ दिया, आज भी जनता मेरे साथ है, और जनता के आशीर्वाद से ही, जनता के हौसले से ही मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूं, और उसके साथ साथ साथियों अब देखते हैं कि सरसा के अंदर कौन सा सरकारी कर्मचारी मेरी सरसा के जनता से काम के पैसे मांगते हैं या जायज काम किसी का कैसे रोकते हैं। कोई बात नहीं, ये तो जो पहले हमने किया अब उसको हमने और इम्प्रूवमेंट से करेंगे, दो चार काम निपटा के जल्दी आपका भाई आपका बच्चा आप सिरसा वालों के बीच में होगा, और उसके बाद अब ये मुहिम शुरू है कि करप्शन को हमने किस प्रकार से जड़ से उखाड़ कर फेंकना है सिरसा के अंदर, उसके लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आ रहा हूं जल्द वापस सिरसा वासियों आपके बीच में, कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी आपसे अगर रिश्वत मांगता है तो आप अपने भाई को अपने बच्चे को इत्तला करने का काम करें, हम देखते हैं कि कैसे कोई पैसा लेता है हमारे सिरसा के लोगों से। और एक बात और कहना चाहूंगा आखिर में कि विधायक ने तो अपने गुंडों के द्वारा मुझ पर अटैक करवाने का काम किया था कमेटी में, मुझे मरवाने का पूरा प्रयास किया विधायक ने, आज भी मेरी जान को खतरा इस करके है, मुझे जो सूत्रों से खबर मिली है कि ये एमएलए सिरसा का मुझे मरवाना चाहता है, अगर मुझ पे कोई भी आंच आती है मेरी जान को कोई खतरा होता है तो मैं आज स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि उसका जिम्मेवार हमारा सिरसा का विधायक होगा, और इसी तरीके से अपना मेर भरा हाथ आप सिरसा वाले मेरे सिर पे रखते रहिए, जो आपने मुझे मेरा जो फर्ज है जो आपने जिम्मेवारी मुझे सौंपी है उस पे गोकुल सेतिया हमेशा खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगा, बेशक हालात मेरे जैसे भी हों लेकिन मेरी एक एक मेरा जीवन मेरा जो एक एक सांस है वो सिरसा वालों के लिए समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।